हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करूँगी एरिस्टोक्रेट ट्रॉली बैग का, जो कि एक कैबिन ट्रॉली बैग है। ये ट्रॉली बैग 55 सेंटीमीटर का यानी कि 22 इंच का है, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसे कैबिन में अपने साथ ले जा सकते हैं। ये ट्रॉली बैग VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। तो चलिए इस ट्रॉली बैग की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ट्रॉली बैग मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह के कार्टन में आया है। तो इस कार्टन बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है। ये ट्रॉली बैग मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। इस समय फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज सेल चल रही थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गई है। बॉक्स के बैक साइड पे यहाँ पे इनवॉइस बिल दिया हुआ है। तो चलिए अब इस बैग को हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रॉली बैग को ओपन कर लिया है। तो ये एक पॉली बैग में पैक होके आया है, तो अब हम इसकी पॉली बैग को भी हटा लेते हैं। इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छे से की गई है। तो यहाँ पे मैंने पॉली बैग को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है और इस टैग में ट्रॉली बैग की डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम और लोगो लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे इसका MRP लिखा हुआ है, जो कि 5,150 रुपीज है, लेकिन मैंने इसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में 1,000 रुपीज में ही परचेज किया है। और यहाँ नीचे की साइड में ट्रॉली बैग के फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये ड्रॉप टेस्टेड है, टम्बल टेस्टेड है, व्हील टेस्टेड है, जॉल्ट, जिप और लॉक टेस्टेड भी है। और इस ट्रॉली बैग में 5 ईयर्स की वारंटी भी है। तो इस ट्रॉली बैग को आप कहीं से गिरा देते हैं या फिर इसमें कोई भयंकर झटका लग जाता है या फिर आप इसे टंबल करते हैं, तो ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इस बैग के हैंडल की। तो ये हैंडल बहुत ही स्ट्रांग है और इसकी ग्रिप भी बहुत ही मजबूत है। ये ट्रॉली बैग पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना होता है, जिससे कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। आप इसे बहुत ही ईजिली उठा सकते हैं। और इसी के साइड में यहाँ पर रॉड ग्रिप दी हुई है, तो जब भी आपको ट्रॉली को स्लाइड करना हो तो आप इसे आराम से पुश करके इसे ऊपर की ओर निकाल सकते हैं। और इस रॉड ग्रिप को आप इजीली अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रॉली बैग की जिप की। तो इस बैग की जिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसकी जिप आप बहुत ही ईजिली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं और ये कहीं भी बीच में अटकती नहीं है। और जिप के साइड में जो रबर ग्रिप दी हुई है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अब हम बात करेंगे इस ट्रॉली के लॉक की। तो ट्रॉली बैग के साइड में यहाँ पे नंबर लॉक सिस्टम दिया गया है। तो ये नंबर लॉक अभी 000 पे सेट है, तो आप इस चेन को यहाँ पे ऐसे बंद कर सकते हैं और इस साइड नॉक को प्रेस करके आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इस नंबर लॉक को चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये लॉक 000 पर सेट है, तो आप देख सकते हैं कि ये लॉक अभी ओपन एंड क्लोज हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग नंबर को चेंज करने के लिए आप नॉब को बाहर की ओर पुल करें और अपने अकॉर्डिंग नंबर को यहाँ पे सेट कर लें। नंबर सेट करने के बाद आप नॉब को छोड़ दें और आपका लॉक यहाँ पे सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लॉक को 0, 1 और 2 पे सेट कर दिया है। तो अब मैं लॉक को किसी और नंबर पे लगा के यहाँ पे ओपन करने का ट्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किसी और नंबर पे ये लॉक ओपन नहीं हो रहा है। तो अब मैं वापस से अपना लॉक यहाँ पे सेट कर देती हूँ, तो ये देखिए लॉक इजीली ओपन हो गया। तो आप इन दोनों चेन को इस लॉक में फंसा के अपना लॉक लगा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रॉली बैग के व्हील्स की। तो इस बैग के व्हील्स बहुत ही स्टर्डी हैं। इसके व्हील्स 360 डिग्री रोटेट हो जाते हैं, तो आप इसे बहुत ही ईजिली किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। ट्रॉली बैग के फ्रंट साइड पर यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है। इसकी बॉडी पे यहाँ पे रफ डिज़ाइन दिया गया है, तो इस पे स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो अब मैं इस ट्रॉली बैग को ओपन करके अंदर से भी दिखाती हूँ। तो इस ट्रॉली बैग में नीचे की साइड में जितना स्पेस दिया गया है, उतना ही स्पेस ऊपर की साइड में भी दिया गया है। तो नीचे की साइड में यहाँ पे एक बेल्ट प्रोवाइड की है, तो जब भी आप इसमें कपड़े रखेंगे तो आपके कपड़े यहाँ पे ख़राब नहीं होंगे। और ऊपर की साइड में भी यहाँ पे एक जिप कवर दिया गया है, तो इसमें भी आपके कपड़े एकदम सेफ रहेंगे। नीचे के साइड के कवर में भी यहाँ पे एक इनर जिप दी गई है, तो आप इसे एक हिडन पॉकेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बैग के ऊपर के साइड के कवर को भी मैं ओपन कर लेती हूँ।
तो इसके अंदर भी हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, तो इसमें हम इजीली अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं। इस बैग के अंदर लॉक को रीसेट करने के लिए एक मैनुअल दिया गया है और इसमें ये वारंटी कार्ड भी दिया गया है। इस बैग पे आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है। इस ट्रॉली की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप 2 से 3 दिन की ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हो तो आपके लिए ये ट्रॉली बैग बेस्ट ऑप्शन है। मुझे ये ट्रॉली बैग डिस्काउंट ऑफर में केवल 1000 का पड़ा है, तो 1000 में ये ट्रॉली बैग बहुत ही अच्छी डील है। इस रेंज के हिसाब से इस ट्रॉली की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस ट्रॉली बैग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच सकें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।